बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बैंक अल फ्ला के लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स के बारे में, जो कि 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए नाफजुल अमल है। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको मालूमती वीडियोज़ मिलती रहे। तो जी दोस्तों, बैंक अल फ्ला ने 1 दिसंबर 2021 से नए प्रॉफिट रेट्स का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल फ्ला PLS सेविंग अकाउंट की। इसके ऊपर आपको सेमी एनुअल प्रॉफिट दिया जाता है हर 6 माह के बाद, लेकिन जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है वो मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर होती है। तो इसके ऊपर जो रेट है वो है 7.25% प्रॉफिट रेट आपको मिलेगा दिसंबर 2021 में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जी अल फ्ला रॉयल प्रॉफिट अकाउंट की। इसके ऊपर मंथली प्रॉफिट आपको पेमेंट आपके अकाउंट में की जाती है और कैलकुलेशन जो है वो भी मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर होती है। तो इसके ऊपर भी आपको 7.25% प्रॉफिट दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी अल फ्ला किफ़ायत सेविंग अकाउंट की। तो इसके ऊपर मंथली प्रॉफिट पेमेंट है और जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो भी मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर है। और इसमें अगर आपका एवरेज बैलेंस 4,99,999 रुपये तक है तो आपको 7.35% प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका बैलेंस 5 लाख या उससे ज़्यादा 49,99,999 रुपये तक होगा तो आपको 7.75% प्रॉफिट मिलेगा, और 5 मिलियन एंड अबव आपको 8% प्रॉफिट मिलेगा इस अकाउंट में। नेक्स्ट है अल फ्ला पहचान सेविंग अकाउंट। इसके ऊपर भी डिफरेंट इसकी कैटेगरीज है। इसके ऊपर मंथली प्रॉफिट आपको मिलता है और कैलकुलेशन एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर होती है। इसके ऊपर 49,999 तक आपको 7.35% प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका एवरेज बैलेंस 50,000 से लेकर 4,99,999 रुपये है तो आपको 7.75% प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आपका एवरेज बैलेंस 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको 8% प्रॉफिट रेट मिलेगा दिसंबर 2021 के लिए। नेक्स्ट है अल फ्ला केयर सीनियर सिटीज़न। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए अकाउंट है। इसके ऊपर अगर आपका बैलेंस 0 से लेकर 9,999 रुपये तक है तो आपको 7.35% प्रॉफिट मिलेगा, अगर 10,000 या उससे ज़्यादा एवरेज बैलेंस है तो आपको 8% प्रॉफिट मिलेगा दिसंबर 2021 के लिए। और अल फ्ला स्नैप एक जो अकाउंट है, मंथली प्रॉफिट इसमें आपको मिलता है। इसके ऊपर आपको 7.5% प्रॉफिट रेट दिसंबर 2021 में मिल सकता है। नेक्स्ट है जी अल फ्ला रोशन डिजिटल अकाउंट। इसके ऊपर अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको 7.25% प्रॉफिट मिलेगा। अल फ्ला नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी NRP सेविंग अकाउंट, इसके ऊपर भी 7.25% है। और अल फ्ला कॉर्पोरेट पेरोल सेविंग अकाउंट, इसके ऊपर 7.25%। और फ्रीलांसर डिजिटल सेविंग अकाउंट, उसके ऊपर भी 7.25% प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसके ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन मंथली एवरेज के ऊपर होती है और साथ ही हर माह आपको आपके अकाउंट में इसका प्रॉफिट दे दिया जाता है। नेक्स्ट है अल फ्ला आसान सेविंग और अल फ्ला आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट। इन दोनों अकाउंट के ऊपर आपको 7.25% प्रॉफिट पे किया जाएगा फॉर दी मंथ ऑफ दिसंबर 2021 के लिए। उसके बाद है जी अल फ्ला सेविंग अकाउंट, जो कि डिजिटल उत्पन्न होता है। डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसके ऊपर भी डिफरेंट स्लैब बनाए गए हैं। अगर आपका बैलेंस 9,999 रुपये एवरेज बैलेंस है 0 से लेकर तो आपको 7.25% प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका 10,000 से लेकर 49,999 तक है तो आपको 7.50%, और अगर आपका बैलेंस एवरेज मंथली बैलेंस 50,000 से लेकर 99,999 है तो 7.70%, और 1,00,000 से लेकर 2,49,999 7.8%, और 2.5 लाख या उससे ज़्यादा का अगर आपका एवरेज बैलेंस होगा तो आपको 8% प्रॉफिट पे किया जाएगा दिसंबर 2021 के लिए। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टर्म डिपॉज़िट के बारे में कि टर्म डिपॉज़िट के ऊपर आपको दिसंबर 2021 में कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसको भी कैटेगराइज किया गया है Tier 1 और Tier 2 में। अगर आपका बैलेंस मंथली एवरेज बैलेंस 0 से लेकर 9,99,999 रुपये तक होगा तो उसके ऊपर आपको ये वाला प्रॉफिट मिलने वाला है। उसके आगे इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। अगर आपने 1 माह के लिए इसको इन्वेस्ट किया है तो
तो आपको 7.9% मंथली प्रॉफिट मिलेगा, 3 माह के लिए 7.6%, 6 माह के लिए 7.70% और इसी तरह बढ़ते बढ़ते 5 साल के लिए 9.55% आपको ये प्रॉफिट रेट मिल सकता है। और अगर आपका एवरेज बैलेंस 1 मिलियन या उससे अबव है, यानी कि 10 लाख या उससे ज़्यादा है, तो आपको 1 माह के लिए 8% और मैक्सिमम 5 साल के लिए 9.8% प्रॉफिट रेट मिल सकता है दिसंबर 2021 के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फ़ला महाना आमदन और अल्फ़ला सीनियर सिटीज़न महाना आमदन। इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो सीनियर सिटीज़न है वो अबव 60 एज के लोग हैं वो ओपन करवा सकते हैं, जो महाना आमदन सिंपल महाना आमदन है वो कोई भी पर्सन ओपन करवा सकता है। तो इसमें अगर आप का टेन्योर 1 साल के लिए है तो आपको 8.05% प्रॉफिट रेट मिलता है और मैक्सिमम 5 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 9.55% प्रॉफिट रेट मिलता है। इसी तरह अल्फ़ला सीनियर सिटीज़न महाना आमदन में मिनिमम 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 8.15% है और मैक्सिमम 5 साल के लिए 9.65% प्रॉफिट रेट मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट डिजिटल जो अकाउंट ओपन होते हैं उसके ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसमें अगर आप 1 माह के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 8.25% प्रॉफिट मिलेगा दिसंबर 2021 के लिए, 3 माह में 8.40%, 6 माह के लिए 8.65% और 1 साल के लिए 9.80% प्रॉफिट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फ़ला फ्लोटिंग टर्म डिपॉजिट की। फ्लोटिंग से मुराद है कि जैसे ही इसमें कोई रेट में चेंज आती है तो इसका रेट भी चेंज हो जाता है। पहले वाले जो टर्म डिपॉजिट थे उसमें अगर आप जिस माह में जिस दिन को आप उसकी टर्म डिपॉजिट बुक करवाते हैं तो वो वाला रेट आपको फॉर द होल टाइम पीरियड आपको वही लगता है, लेकिन फ्लोटिंग में ये रेट चेंज होता रहता है। अगर रेट कम होगा तो रेट कम हो जाएगा, अगर बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट रेट भी बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर डिफरेंट इसमें स्लैब बनाई गई हैं, 1 ईयर के लिए 1 मंथ का आइबर प्लस 0.40, इसी तरह इसको बढ़ाते हुए 0.015% तक ले जाया गया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैंक अल्फ़ला के प्रॉफिट रेट्स के बारे में मालूम हासिल हो गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।